ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के रंगदस के गांव से लोहा की एक युवती ने डीसी से रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाने की गुहार लगाई है। बता दें कि गांव से लोहा की निवासी पूजा देवी अपनी मां के साथ रहती है, लेकिन रिश्तेदार सगी दादी और चाचा अक्सर तंग करते हैं और जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। वही रिश्तेदारों के चलते पिछले कुछ सालों से पूजा के घर पर बिजली का मीटर नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूजा ने डीसी हमीरपुर को शिकायत करके जल्द समस्या से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई है। हमीरपुर के रंगदस के गांव सलोहा की एक युवती ने डीसी से रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि गांव सलोहा की निवासी पूजा देवी अपनी मां के साथ रहती है, लेकिन रिश्तेदार सगी दादी और चाचा अक्सर तंग करते हैं और जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। वहीं रिश्तेदारों के चलते पिछले कुछ सालों से पूजा के घर पर बिजली का मीटर नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूजा ने डीसी हमीरपुर को शिकायत करके जल्द समस्या से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पूजा देवी का अपने घर के साथ रहने वाले रिश्तेदारों को लेकर कुछ विवाद चला हुआ है, जिसके कारण न्यायालय में भी मामला अभी विचाराधीन है। लेकिन इसके बावजूद भी पूजा को रिश्तेदारों के द्वारा आए दिन मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी दिए जाने पर पूजा सहमी हुई है और इसकी शिकायत पूजा ने डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा से की है। पूजा ने बताया कि पिछले कुछ सालों से रिश्तेदारों के द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और झगड़े के चलते रिश्तेदार घर में बिजली का मीटर तक नहीं लगवाने दे रहे हैं, जिसके कारण अंधेरे में रहना पड़ रहा है। पूजा ने बताया कि दादी और चाचा मिलकर हर वक्त साजिश रचते हैं और इसके कारण जीवन जीना दुर्बल बना हुआ है। उन्होंने डीसी से मामले में हस्तक्षेप करके समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग की है। मतलब लाइट है, लाइट के बगैर आ रही। तो क्यों नहीं लाइट है सर? पीछे से जो भी है, मतलब दादी और चाची मिलकर कटवा देती हैं, मतलब कोर्ट में चला है हमारा केस, मतलब उसमें जो भी है वह कटवा देती हैं। कटवाते क्यों? मतलब कि घर से निकल जाए, कमरा दिए है उससे भी निकालने पर तुले हमें, कुछ भी सामान रखे उसको तोड़ फोड़ के फेंक देती हैं। और हमको सजा मिले उतने साल से हम लाइट के बगैर रह रहे हैं।